My dear students, again welcome back for physics class. I am Dr. Rakesh Mohan, Assistant Professor of Physics, ABS IIT Ghaziabad. Module 5 Fiber Optics के आगे वाले टॉपिक क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर आज हम डिस्कस करेंगे. एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाता है. इससे पहले हमने न्यूमेरिकल एपर्चर के बारे में डिस्कस किया था और क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड. क्लासिफिकेशंस बहुत तरीके से किया जा सकता है लेकिन हम मोड के हिसाब से इसको दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे. तो इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ प्रोपागेशन. कितने मोड से ये ट्रांसफर हो सकता है लाइट बीम. प्रोपागेशन द ऑप्टिकल फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट सिंगल मोड फाइबर जिसको SMF भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड द सेकेंड वन इज मल्टी मोड फाइबर जिसको शॉर्ट फॉर्म में MMF भी हम कहते हैं. सो दिस इज मल्टी मोड फाइबर. सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर को डिटेल्स में हमें डिस्कस करना है. तो पहले हम सिंगल मोड फाइबर को डिस्कस करते हैं और सिंगल मोड फाइबर की क्या खासियत है और किस तरीके से ये बनता है इसी चीज को हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज सिंगल मोड फाइबर. तो पहले ये सिंगल मोड फाइबर इज having smaller core diameter, that is approximately 5 micrometer. ध्यान रखना core diameter single mode में बहुत छोटा होता है, around 5 micrometer. And high cladding डायमीटर जो 70 माइक्रोमीटर तक जाता है. सो इट गोज अप टू 70 माइक्रोमीटर. आप देख सकते हैं कोर की डायमीटर क्लेडिंग के मामले में कितना छोटा है. तो इसको हम सिंगल मोड फाइबर की जो डायमेंशंस है इसको हम अभी बताएं. दूसरा इसमें जो चीज है द डिफरेंस बिटवीन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार मैं बता रहा हूँ, ऑफ दी कोर एंड क्लेडिंग. द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द कोर एंड क्लेडिंग इज वेरी स्मॉल. दोनों के बीच में डिफरेंस काफी कम रहता है. पहले भी मैंने बताया था 1.5 और 1.7 ऐसे रहते हैं. तो इसको जब हम डायग्रामेटिकली शो करेंगे ये किस तरीके से हम देख सकते हैं इसको डायग्रामेटिकली. सपोज फ्री हैंड डायग्राम बनाएं. सो दिस इज ए कोर एंड क्लेडिंग साइड वाइज व्यू और सेंटर व्यू ऐसे होगा. तो साइड वाइज व्यू में आप देख सकते हैं जो लाइट बीम है इंसिडेंट होके TIR होके आगे बढ़ रहा है और सिंगल बीम एक ही मोड इसमें ट्रांसफर कर रहा है.
और बीच में आपकी एक्सिस भी है, तो ये हो गया क्लेडिंग, ये हो गया कोर, कोर और आउटसाइड यू है क्लेडिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डिस्टेंस है और ये वाई एक्सिस में हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल भी कहते हैं। लाइट वेव प्रोपागेशन इन एसएमएफ और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, तो दोनों चीज हमने डिस्क्राइब कर लिया। और सिंगल मोड फाइबर में किस तरीके से कोर क्लेडिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अभी उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू एसएमएफ सिंगल मोड फाइबर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट कैन सपोर्ट ओनली वन मोड ऑफ प्रोपगेशन, एक ही मोड को ये अपने अंदर से ट्रांसफर होने देता है। सेकेंड इट इज सुइटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, सच एज टेलीफोन लाइन्स। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए जनरली एसएमएफ यूज होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट इज पास्ड थ्रू लेजर डायोड्स, तो लेजर डायोड्स यूज करके लाइट को प्रोपेगेट की जाती है। कोर डायमीटर छोटा होने की वजह से इट्स फैब्रिकेशन इज कॉस्टली एंड डिफिकल्ट। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल मोड फाइबर। अभी हम मल्टी मोड फाइबर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट इज मल्टी मोड फाइबर, इसको हम एमएफएफ भी कह रहे हैं। तो मल्टी मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर मल्टी मोड फाइबर में काफ़ी डिफरेंस है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इट हैज ए लार्जर कोर डायमीटर, इसकी कोर डायमीटर ज़्यादा है अराउंड 40 माइक्रोमीटर एंड दैट ऑफ क्लेडिंग इज 70 माइक्रोमीटर। द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डेल्टा वैल्यू है, इंडेक्स डिफरेंस इज ऑल्सो लार्जर देन सिंगल मोड फाइबर। तो उसमें 5 माइक्रोमीटर था सिंगल मोड फाइबर में जो कोर डायमीटर है, इसमें 40 माइक्रोमीटर है और क्लेडिंग तो सेम है दोनों में 70 माइक्रोमीटर। तो जो डिफरेंस इसमें सिंगल मल्टी मोड में है वो है कोर की डायमीटर, लार्जर कोर डायमीटर। ये इसलिए क्योंकि मल्टी मोड फाइबर
allows a large number of modes for the light rays traveling through it. सिंगल मोड में एक ही मोड ट्रैवल कर पाता था, इसमें बहुत सारे मोड ट्रैवल करता है इकट्ठा, तो इसलिए इसकी कोर डायमीटर ज़्यादा होती है। अब मल्टीमोड फाइबर की जो डायग्राम है उसको क्रॉस सेक्शनली भी देख लेते हैं और ऐसे साइड वाइज व्यू भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है सिंगल मोड के हिसाब से। अब देख सकते हैं मल्टी मोड फाइबर में देर आर मैनी मोड्स आर ट्रैवलिंग सिमल्टेनियसली थ्रू कॉनिक ट्रैवल, बहुत सारे मोड इकट्ठा इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो बहुत सारे मोड ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें ये क्लेडिंग है, एक कोर है, कोर क्लैडिंग और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइलिंग भी हम बना देंगे, इसमें हम ऐसे देख सकते हैं इसकी प्रोफाइलिंग ये है, वाई एक्सिस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस। तो ये हम MMF प्रोपागेशन को यहाँ हमने लिख दिया या डिस्क्राइब कर दिया। और दूसरा जो डायग्राम है, पहला डायग्राम, दिस इज रिलेटेड टू MMF इंडेक्स प्रोफाइलिंग। तो दोनों चीज़ को इसमें हमने डिस्कस कर लिया, मल्टीमोड फाइबर की प्रोपागेशन और मल्टीमोड फाइबर की इंडेक्स प्रोफाइलिंग। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसको भी एक बार जान लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीमोड फाइबर, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है इट कैन सपोर्ट ए नंबर ऑफ मोड्स, बहुत सारे मोड्स को ये सपोर्ट करता है। सेकंड, प्रोपागेशन ऑफ लाइट इज इजी, क्योंकि कोर डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से इसमें लाइट बीम बड़ी इजीली ट्रैवल कर सकता है। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है LED लाइट इमिटिंग डायोड इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ लाइट, बहुत सारे लाइट बीम है तो इसलिए LED यूज होता है इसमें। फैब्रिकेशन इज लेस डिफिकल्ट, इसको बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि कोर डायमीटर ज़्यादा होता है देन SMF सिंगल मोड फाइबर के हिसाब से ये बनाना आसान है। फिर द फाइबर इज नॉट कॉस्टली, कॉस्टली नहीं होता फाइबर, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। और सब इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस में ये ट्रैवल नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर। अब इसकी जो टाइप्स है, मल्टीमोड फाइबर भी दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमोड फाइबर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर,
और दूसरा है ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर। तो मल्टीमोड फाइबर भी दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर क्या है? स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर पहले इसको जान लेते हैं। स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर ये क्या चीज़ है? स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर इन दिस केस द कोर हैज मच लार्जर डायमीटर एज कंपेयर टू सिंगल मोड फाइबर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लेडिंग आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसका मतलब है स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी भी कोर की किसी भी पॉइंट में उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स्ड है, ऐसे क्लेडिंग में भी। तो यही इसकी खासियत है। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर की सपोज हम इसकी जो डायग्राम है उसको बनाएं तो आप देख सकते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर में कोर है, ये क्लेडिंग है, तो इसकी जो इंडेक्स प्रोफाइलिंग है ये इस तरीके से होगा। दिस इज कोर, दिस इज क्लेडिंग। अब हम दूसरे टाइप दैट इज इसको ब्लैक में कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम दूसरे टाइप दैट इज मल्टीमोड फाइबर में जो ग्रेडेड इंडेक्स है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर। तो ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर क्या है? ग्रेडेड इंडेक्स, एक मिनट, उससे पहले हम स्टेप इंडेक्स की करेक्टर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं ताकि आगे हम मल्टीमोड फाइबर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में इजी टू मैन्युफैक्चर, आसान है इसको बनाना। सेकंड, चीपर देन अदर टाइप्स, कॉस्टली नहीं है। फिर थर्ड एडवांटेज है लार्जर एन ए वैल्यू, न्यूमेरिकल एपर्चर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा बीम्स को आप इसमें ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, लॉन्गर लाइफ टाइम। ये ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होता, इसमें डिफेक्ट्स नहीं आता। डिसएडवांटेजेस में पहला है लोअर बैंडविड्थ, स्ट्रॉन्ग नहीं होता इसकी ट्रांसफ़र, हायर डिस्पर्सन, लॉस इसमें ज़्यादा होता है तो इसलिए डिस्पर्सन ज़्यादा होती है। थर्ड, स्मियरिंग ऑफ सिग्नल पल्स, इसमें जो बीम है वो अपनी कंडीशंस को सेम नहीं रख पाता, वो सिकुड़ जाती है। सो दिस इज कॉल्ड स्मियरिंग। सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हमने सिंगल मोड फाइबर की, स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर की डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट मल्टीमोड फाइबर
और ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्रेडेड इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर में क्या डिफरेंस है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो इसमें इन दिस केस दी कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट यूनिफॉर्म एंड इट वेरीज फ्रॉम सेंटर टू बाउंड्री इट इज मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ कोर। तो सबसे बड़ी खासियत है कि ग्रेडेड इंडेक्स में जो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरी करता है, सेंटर में ज़्यादा और कोर बाउंड्री तक कम, लेकिन क्लैडिंग में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी नहीं करता, बट क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिफॉर्म। तो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करने की वजह से इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइलिंग चेंज हो जाती है। अब देख सकते हैं दिस इज कोर, आउटसाइड यू हैव ए क्लैडिंग और इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कोर और क्लैडिंग में अलग अलग होता है। कोर में हम देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंटर में ज़्यादा होगा और दोनों तरफ कम होता है। ये फाइबर ऑप्टिक्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंटर में ज़्यादा और आउटसाइड में कम हो जाता है। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइलिंग ऑफ ग्रेडेड इंडेक्स, इसलिए इसको ग्रेडेड इंडेक्स भी बोला जाता है क्योंकि ग्रेडिंग से ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है कोर में। और इसमें जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है इसको एक बार हम नोट कर लेते हैं या जान लेते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में फर्स्ट है डिस्पर्सन इज लो, इसमें लॉस बहुत कम होता है, डिस्पर्सन लॉस हम इसको आगे जानेंगे भी डिस्पर्सन क्या है। बैंडविड्थ इज ग्रेटर, ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर सकता है। थर्ड इजी टू कपल विथ ऑप्टिकल सोर्स, क्योंकि इसमें ग्रेडेड होने की वजह से कैरियर वेव और सिग्नल वेव को मिलाना बहुत आसान है। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट एक्सपेंसिव है क्योंकि कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेरी करना वो भी यूनिफॉर्मली सेंटर टू आउटसाइड आसान नहीं है बनाना, तो वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। तो ये है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रिलेटेड टू द ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो आज हमने क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को डिस्कस किया और सब क्लासिफिकेशंस के बारे में भी डिस्कस किया, सभी के करेक्टरिस्टिक्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ा। ये जनरली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्लास में हम एटेन्यूएशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।